थानागाजी में हुए मामले के बाद प्रदेश सरकार ने हर जिले में महिला अपराधों की रोकथाम और उन पर प्रभावी कार्यवाही को लेकर अलग से सेल बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद अब झुंझुनू में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन यानी कि SIUCW सेल एक्टिव हो गई है। सीनियर IPS प्रतापमल केडिया को इसका प्रभारी लगाया गया है, जिन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बातचीत में केडिया ने बताया कि यह पहली और नई सेल है जिसमें महिला अपराधों को लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुष्कर्म से लेकर दहेज हत्या और अन्य महिलाओं के साथ साइबर अपराधों को लेकर यह यूनिट काम करेगी। यही नहीं, किशोरों के साथ होने वाले अपराध तथा वृद्धजनों के साथ होने वाले अपराधों पर भी यही यूनिट मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही अब कुछ गंभीर अपराधों पर थाना स्तर पर लगने वाली FIR की भी जांच यही यूनिट करेगी। उन्होंने झुंझुनू में इसका प्रभावी क्रियान्वयन का विश्वास दिलाया। और ये जो है इनके सीनियर सिटीजन समिति और जो बालकों के जो है ना और ये अपराध होते हैं उससे जुड़े हुए ये नोडल अधिकारी होंगे और प्रत्येक थाने में जो कार्यरत बाल कल्याण अधिकारी हमने बना रखे हैं SI रैंक के, उनका भी जो मॉनिटरिंग करेंगे आपसी रिपोर्ट लेंगे। जिला झुंझुनू में नवसर्जित पद DSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम फॉर अगेंस्ट वुमेन के नाम से जो गठित हुई है उसका कार्यभार मैंने आज ग्रहण किया है। चूंकि ये नया पद सर्जित हुआ है, प्रत्येक जिले में महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराधों के जो है वो निकट सुपरविजन एवं उच्च स्तर के अनुसंधान के लिए पद सर्जित किया गया है। इसके लिए जो परिपत्र में इसका जो टास्क दिया गया है उसका अध्ययन कर इस दिशा में कार्य किया जाएगा। हाँ, उसकी एक जो थानों में हमारी एक यूनिट और SPOB जो चल रही है उसका भी सुपरविजन और मॉनिटरिंग इस पद के द्वारा की जाएगी। क्योंकि ये बालकों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम 2012 का जो इसमें है बालकों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसका भी एक सुपरविजन और उनके जो केस ऑफिसर और उनके द्वारा जो थानों में इन्वेस्टिगेशन होता है उनका पर्यवेक्षण हो, उनमें उच्च स्तर का अनुसंधान हो, वह उनका अच्छा एक चालान हो ताकि उनको जो है सजा मिल सके ऐसे अपराधों में, उस अपराधों का भी इसमें पर्यवेक्षण किया जाएगा। चूंकि ये जिलों में एक नव सर्जित ये पद है ये जिसमें इनका काम ही महिला से संबंधित अपराधों में अनुसंधान का रहेगा और जैसा इनके जो है उद्देश्य है उसको लेके जो बनाई गई है उसके लिए हम जो है और पूरा काम करेंगे ताकि इस तरह के अपराधों में रोकथाम हो और इस तरह के घटित अपराधों में अपराधियों को और सजा मिले, इस दिशा में अच्छा अनुसंधान हो, त्वरित से उनका अनुसंधान और एवं चालान हो। चूंकि पूर्व में भी हम इस तरह के अनुसंधान करते रहे और DSP जो महिलाओं के गंभीर प्रकृति के अपराध जैसे कि गैंग रेप या जो है उनके पोक्सो के जो अपराध हैं उनका हम अनुसंधान करते रहे हैं, पर चूंकि ये पद एक जिला स्तर पर गठित सेल के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जाएगा तो निस्संदेह इसका क्वालिटी में सुधार होगा और त्वरित अनुसंधान होगा।